जिंदाबाद। समाज एकता जिंदाबाद। स्वामी समाज एकता जिंदाबाद। स्वामी समाज एकता जिंदाबाद। रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज छापर में स्वामी समाज के द्वारा देवानी छापर रोड के लिए आज एक मीटिंग हुई, जिसमें पूरे स्वामी समाज ने आज चुनाव का बहिष्कार किया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पर लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और ये हमारा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है। पूरे स्वामी समाज ने आज यहां पे मीटिंग रखी, जिसके अंदर मतलब जब तक ये रोड नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं देंगे, ये सभी ने यहां पे निर्णय लिया, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पर लगा रहे हैं। सगला स्वामी समाज का इकट्ठा होना, इकट्ठा होने को मतलब है कि जोकोबार गांव में एक आंदोलन चल रहे है देवानी छापर की पुराण की सड़क के बारे में। ठीक है, आज की आप बैठक कर रहे हैं, इस बैठक मायने अध्यक्ष भी हुए, बी के अनुशासन का मायने बी की देख रेख में कार्रवाई शुरू करे होया करे। युवा जब मैं सोनदास जी को नाम प्रस्तावित करूँ तो भी आज की बैठक की अध्यक्षता। बहुत बढ़िया, ठीक है। छापर देवानी सड़क है, जिस दिन प्राय आप लोग मीटिंग में हाँ मैं बताई डिटेल हूँ एकदम। हाँ, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी की बनाई हुई सड़क है, क्योंकि 1940 से पहले की है, करीब करीब की सड़क ने बनियाने 85 साल हो गया। वन विभाग वाला एक पुस्तक चलायो कि पंख है सड़क का नहीं आता पेंडी है, सड़क दीवार पास करवाई भी दीवार ने कराई तो देवानी का रोड का नहीं, इसके बाद भी चारवा साइड की है खेत लोगों का, बाकी बीच में तो और सड़क के बीच में तो लोगों का खेत था, इसके बीच में कोई खेत को नहीं आ। अरे सुनो बात, मैं काई को पहले तस्वीर सुनो, बीच में खेत को नहीं आने की काई सड़क बठन है उतना छेड़े हिल जाता है तो ठीक नुकसान कर तो खेत आगे सुना था वो अगर बात नहीं है तोड़ो बस खेपो जी की बात आगे कैसे आपां को मतलब अपने खेतों को नुकसान करना सड़क पर तो कोई नहीं आता जी, अपनो आज भी खेतों को नुकसान करे सड़क का नहीं करे तारवा थाली आप बाढ़ डोड़ो को नहीं करागे, बी टेम ही भी बाढ़ डोड़ो को नहीं करता आगे चारों ओर करता नहीं करा नहीं, अब तो समय के अनुसार जो सुख चाहता हुए बस काम करा। एक गिरियो के बूंदला जगह किसान भाई आ मारे 5,000 रुपया हर साल बाढ़ डोड़े का लागा, मैं जो उसकी राजी कर देवा तो आपने जो बाढ़ एक नहीं हो जाए तो बड़ो खतरो तो टले, इससे आप आपको लालच सवा तो साधारण बात है, मानव की प्रवृत्ति है। एक एक गिरियो के भी कारण भी मतलब दीवार ने घुमार उन्हें कर दी तारवा साल सड़क का नहीं, अगर उन्हें सड़क जाती इस सड़क के बराबर दीवार होती तो कोई खतरो हो गया इन्होंने आ तो दुष्चक्रो समझा नहीं बात ने कि बात ने गहरा भी समझा हाँ यह अगर बात होगी सही है। अब उन्हें फिर आगे नजरी हर साल एक गेट खाई डोड़ो करावे अगे खाई आप अब भी कत्ता रुपया उठे के कतो काम हुए आप बड़े जात का गाँव को आदमी नहीं नहीं हिम्मत है आप पानी गली में सड़क बनावे नाली बनावे बच्चे भी रोक जाए मत बनाए बच्चे लुगाई जा रोक जाए ठीक है कौन बनानी है तो नाली सही है। अतः आज मैं वो कोई फॉरेस्ट में जा रहे क्योंकि क्या गाड़ी पे आ रही है के हो रही है काई लील है ना बंदे के अपन जा रहे कोई पावर को नहीं। अब नी बात देखो सीधी सी आज के जमाने में 2 रुपया से जीमनो सावे चाहे मेंबर हो चाहे फॉरेस्ट वाला हो बे हो ये वो काम गांव का मायने हुए तो भाई रुपया गांव में तो आता नहीं
दुकानदार की आई दो मैं आपके घरे कारी कुट को करा था आप करा था तो मजदूरी ने गांव में तो मजदूरी होती नहीं होती होती बार राम जी तो मंगल है अब बार ये स्थिति आ रही है अब ये छापर में 23 सड़क बनी ये सड़कों बोले फिर और बनी वार्ड में सही है नगर पालिका ने कोई पावर को नहीं कबार स्वीकृति दे दी है कई महीना बाद के डीरी फॉरेस्ट स्वीकृति दी जो दी बात बनी ठीक अब स्थिति आया कि आपने गांव में कोई चेतो कर सी तो भी फॉरेस्ट को मंजूरी लेनी पड़ी नगर पालिका कभी बैठा नहीं और इको सेंसेटिव जोन को मतलब वो है का आप लाइट करा बाप भी वर्जित हुए अगर ब्याह शादी का मायने माइक बजावा ढोल तमाशा बजावा नहीं वो भी वही वर्जित हुए क्योंकि जानवर ने खतरो किया सही है जानवर भाग जा के माँ को कानून न्यारो है तो बहुत करडो काम है और इस सड़क के बारे में थोड़ी मैं जानकारी दी थी आज सड़क बंद हुई इस बाद में एक कार्रवाई भी चालू करा थी टाइम में गांव का बोर्ड आदमी ने बतलाया डर किया था मन दो ही आदमी सहयोग करो तो गाँव में भी मीटिंग में नाम भी किया अब ये है कि गांव मैं बा कार्रवाई गांव भी सहयोग करने के लिए तो मैं यह कर रहा कि मैं आप अपने का नागरिक सही है हमारी नजर हम वो गलत काम हो हाँ गलत हो तो आपने एक विरोध को करना चाहिए आप सिपाही नियुक्ति को खोल दी मैं 125 साल पुराना कागज उन्हें बुनों से भेजा दिया अपा कागजा वहाँ प्रमाणित हुए आप सड़क अखंड रेसी 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 सही है पर अब यह है कि कोई गांव को न तो जनप्रतिनिधि दिया न आपने MLA MP आ कभी इस बात को विरोध कर विरोध खोल भी खोल में तो ढोली बाजी अब कई जना ज्ञान दे था अठी रोड बन गई नहीं बार रोड कट बनी है एक तो राम नारायण स्वामी है अपनी जाति को बी की खातेदारी की जमीन है दूसरी गई है छापर के बच्चा के पढ़ने की स्कूल की जमीन भी स्कूल का मा कर गई तो मतलब गांव ने नुकसान ही हुए नुकसान अब भी मैं एक दिक्कत और है था बा रामपुर तक गई है आगे फॉरेस्ट वाला उजू को बन दे भी नहीं के मतलब था बीमारी होगी पछे आ है स्टेट हाईवे नंबर 20 को एक टुकड़ो बा है करूं रोखा तक देखी रोखे का मायने तो बीकानेर अजमेर हाईवे जाए बीहू आ निकले गेले के मायने मेगा हाईवे आ गयो बिग बाद लोड सर आगले छेड़ झांकन आ गयो वो एक नयो अमृतसर वालो रूप बनियो सिकरदार भी पाछी भी मेगा भी मिल गया मतलब ई रूट जान आला पति ताल में दलदा के मान पड़ सके कौन पड़ा है मतलब एक अंधो कानून है वो अंधो निर्णय हुए दूसरी बात आपा था पर पहले जाता 500 रुपया में टैक्स यार आराम ले जाते वो जाएगी 500 रुपया हजार हजार ले अब ये मतलब बिना मतलब छापर के नागरिक ने जाती बगे 4 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़े आती बगे 4 किलोमीटर ज्यादा और टफा खाना पड़े इं चालो संप्रोटी हल दिया तो आज की छड़ी भी आ गंगा सिंह जी की धरोहर ही की बनाई गई बा अगर कायम रही होती हूँ कहीं नुकसान होता अगर गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसा के हिंडिया मर गया रामपुर गांव वाली सड़क आई उत्तर दक्षिण है अब सड़क बड़ी है आधी जगह आधी है खेती करनी बंद कर दी चेता की कांगर पूरी पूरी सुननी पड़ी की पूरी 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 की पूरी अब 5,000 हिरण नहीं तो आगो नियम ऐसा 719 एकड़ की जमीन है बात 700 नियम वो है फॉरेस्ट को एक एकड़ में एक हिरण ज्यादा नहीं कौन समझे
तो 1961 पहले जब कोई बात करता है मिलार और जो गांव में बार मुहिम चल रही है भी मुहिम अपना गांव वाला न्यारा को 15 अगस्त का जी मीटिंग हुई रोड ने तो वोट ने लोग मान उत्साह विशेष कर नयोड़ी उम्र वाला के मायने सही है। अब आप आदिवास से भेड़ा होया कि मैं आप बन के वहां कभी ये मुद्दा मैं ठग था गा सही है। एक गांव मतलब सिलेक्टर ही वोट कौन दे तो मैं भी कौन दिया पूरा समाज आ गए आपको पूरा को पूरा स्वामी जाफर को स्वामी समाज समझे नहीं मां को दोस्त बन गया सही है। एक बात और की है कि मैंने आप आदि को कागज लिख के कर कर सकते हैं तभी मां दावे के सागे पूछा 45 साल की काम में मैं गुजारी आदत भाजी बात को सही है सही है। गुजारी बात कौन को साथ है तू गुंडारी किया था मैं कि एकदम ये कहीं ब्याह पे समझ के था हां हां सही है सही है। और सब कानूनी मुद्दे और कानून के हिसाब का ले गांव वाली गांव को मामलो है मान एक लेन तो पंचायत की बोलता लेनी हां सही है सही है। भाई जो आप और लड़का की नहीं लगावे सही है ये बात से आप 8 मीटर गांव का खाका आपको हिरने करा हां नहीं बढ़िया है मंजूर है मंजूर सब का मंजूर है समाज एकजुट हो एक बात दूसरी बात है एक बड़ी बात हो कोई भी कोई काम हो रहा काम आज को काम हो आप पकड़ लिया हां कटा सही है 10 का 10 आइंदा कोई काम पड़े तो मैंने जरूर बतलाया बली सही है खानोगा वो भी निवेदन है कि काम पड़े तो बिना बुलाया जाए सही बात है अपना ही हुए काम जाए तो जिन्हें अपना ही या काई था पड़ी जाए जाए ऐसी बात ने देख रहा था मीटिंग रखिए सागर भाई और भी कोई बोलना चाहो बोल बोल बोलो बोलो बारी बारी मारो तो एक ही कहना है कि सगला आपा समाज एकजुट होशिया नहीं जना आप नु भी दबदबो होशी मैं एक बार पूछा राम ने गोदागर कोई काम लेर गयो जना मन काई कियो वो मन जाता है कि थे स्वामी समाज वाला तो मन वोट ही कौन दियो अरे मैं क्यों मैं एक दो कौन दियो लोड तो दिया ही उला अता वोट थारगन कटवाया क्यों नहीं नहीं कौन दिया जब मैं क्यों ठीक है कौन दिया तो अब और बता दिया कौन दिया जना तो अपन स्वामी समाज जट भी नाम आवे पर सगड़ी समाज ने एकजुट और अपन एक मुद्दों उठानो चाहिए कि भाई आपा ये कर आपने जट भी काम हुआ बट एकजुट हो जाओ आ कोनी कह भी रे वो काम है वो आ कौन से क्यों नहीं काम ने आप कहने स्थगित करो एक बार और भी समाज के मायने जार आप भी को निर्णय कर चाहिए आप काम हो चीज नहीं अपनी गिनती को नहीं आवे कट्ठी को नहीं आवे अपनी गिनती क्या मही तो ये खातर आपने एक आज भी भेड़ा हुआ और भी काम हुआ भी टाइम आप भेड़ा और विषय का मायने एक और चर्चा कर चाहिए आप क्या भाई आपने एक डोली भूमि है आपने डोली भूमि है भी के बारे में आप चर्चा करा तो आप समाज एकजुट हो चाहे आगे काम हो चाहिए अपना नहीं कोनी हुआ काम ये खातर एक वो भी है कि भाई बान जा रहा पास सगड़ा गांव के सागो ऊंचा बान आप भी पूछ सका था कि हिरणा की एजुकेशन जनसंख्या कहती है मन गिनाओ दे दो ये कागजा का मैं लिख कर भेज दियो बटे दाणू लियो और ओढ़ लियो हिरण तो मैं कंकड़ कमाई चल रही है कटे था कि निरणाटे ये खातर आपने एकजुट होना है ये खातर धन्यवाद। और साहब समाज के सागर है भाई तू बोल रहा है समाज के सागर है सर्व मतलब स्वामी समाज अगर इस मुद्दे पर साथ है तो सबसे बड़ी बात है और दूसरा कि अभी व्यक्तिगत रूप से ही 16 जून की बात है 16 जून को मेरी भतीजी डिलीवरी थी और डॉक्टर ने यहाँ से रेफर कर दिया कि भाई आपको मतलब जो सुजानगढ़ ले जाना है अगर ये रोड सही होती ना तो हमें 15 मिनट में सुजानगढ़ पहुंच जाते और 15 मिनट की लेट हो गई और सुजानगढ़ भतीजी है वो उसका निधन हो गया तो इस रोड के कारण ही मतलब ये समस्या आई है और मेरे साथ नहीं व्यक्तिगत जो भी छापर से संबंधित व्यक्ति है उन सब की ये समस्या हो रही है और इस समस्या का समाधान है वो सीधा एक ही है या तो यहाँ से ओवरब्रिज बने और या इसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं ओवरब्रिज है तो ओवरब्रिज के लिए हम सब है वो
स्वामी समाज है इस बात का समर्थन करते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसका कोई भी लीडर सदस्य अगर आता है हमारी इस समस्या का समाधान करता है तभी हम उनका समर्थन करते हैं, अन्यथा हम वोट का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। सगड़ा भेड़ा व्याज का एक जगह बार अपने गांव में मुहिम चल रही है क्या दीवाणी छपराड़ी रोड नहीं तो वोट नहीं, तो आपा भी अपनो समाज को एक परचम देवा के भाई गांव का माने के माको भी समाज है जिसको पूरा एक हूँ और पूरा गांव का सागे है और आपा बात एकदम पूरा जोर शोर हूँ आगे विधानसभा आगे ठेर तक पहुँचा सा कभी रोड नहीं बन सी जड़ता है मैं वोट कौन देवा, मैं सगड़ा ये संकल्प ले रहा और धन्यवाद। मोहन राजी और बोल लिया बस एक बात है मारा तो वही कहूँ है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, दूसरी बात है हिरण है जगह खेता का मान चर है अरे बन ब्याह गाल के है कि हिरण है जगह रोड पर मरे कौन ली रोड पर जगी तो 20 के तो मुने रोड है पर तो मरे ही को नहीं उन 20 के तो मुने जगी पर मरे वो कई कारण है आई झूठी बात है। जय भारत। मारे मोहन दास जी को तो धंधो ही खत्म हो गया, रोड चालू ही से गाडो चालू हो और रोड बंद होता है वो गाडो दिखे ही को नहीं तो भी चले गयो अरे तो ये वास्ते तो आप समाज ला रहे है। बोलो साहब। अरे बोलो भाई कोई तो आवाज नहीं बोल दो बोलो हम जी बोलो तो दो 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 बोलो जी जय ठाकुर जी। राम राम सा आप असला रोड नहीं तो बोर्ड नहीं ये सग हाँ और सग रे वाला यार आप असला सबको विचार रखो कि गांव का सग रहना है गांव के साथ काम करना है गांव से ही आपने सब कुछ मिले लो री बात हिरणा की हिरण को खेता में फिरे है ना उनके फॉरेस्ट को खेता में तो नाश करे खेता को ना फॉरेस्ट को ले वास्ते मैं आपसे में आई निवेदन करूँ आप जो अभियान है इन्हें सफल करो और वोट जदि देवा तो अपने सड़क बन जाओ सड़क बन जाओ ठीक है। धन्यवाद सर। मैं स्वामी समाज की तरफ नौरतन स्वामी मैं पूरी समाज की तरफ हूँ कि बहिष्कार ने समर्थन करा जो रोड नहीं तो वोट नहीं, अदरवाइज कोई भी समाज या नेतो असी तो मैसर ने ये चीज़ रोड बने पहली कोई भी बात या जवाब को नहीं देना चाहूँ तमाम के जो भी समिति बनी इनके विरुद्ध समर्थन ही बात करनी है थनार रोड बनी जद ही नहीं तो वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं इसका समर्थन करते स्वामी समाज। अभी तो संकल्प लेवे है कि वोट कौन देवा फिर बावजूद अगर कोई वोट देवे अलग शो कि मैं वोट दिया हूं तो फिर भी पांची मीटिंग हुई हाँ मीटिंग हुई मीटिंग में कई कार्रवाई हुए जकी जनप्रतिनिधि है जगह बतासी भाई आज की रोड को मुद्दो है बिग मायने सगड़ा समाज की मीटिंग हुई है स्वामी समाज की भी हुई है ये मीटिंग के मायने में स्वामी समाज की तरफ हूँ पूरे गांव के साथ और तो रोड नहीं वोट नहीं रोड नहीं तो वोट नहीं तो पूरा समाज को मुद्दो है जगह गांव का जो निर्णय लिया है देवाणी छापर जगह रोड है वह अगर नहीं बनी तो माको समाज पूर्ण रूप वोटा को बहिष्कार।